तो मौलवी ने 3-4 बंदे भेजे घर मेरे वाले साहब से आके मिले और मेरे वाले साहब को कहते हैं जी अपने बच्चे को मना करते हैं मौलवी से भी बात ना पूछे। ये जो बंदा पाकिस्तान में कुछ नहीं होता वो बरेलवी होता है। मुझे भी बाद में पता चला मैं बरेलवी हूँ। मैं समझता हूँ कि अगर मैं उंगली कटवा के शहीदों में शामिल हो सकता हूँ तो ये मेरे लिए सआदत की बात है। तो मैंने छोड़ दिया इंजीनियर साहब को। मैंने कहा यार ये बंदा ही बदतमीज है, तो इसे क्या समझ। एक आलिम बंदा तब तक आलिम ही नहीं बनता जब तक वो तर्जमे के साथ कुरान ना पढ़े। मुफ्ती है वो तब तक मुफ्ती नहीं बनता जब तक वो तर्जमे के साथ कुरान पाक और हदीसें ना पढ़ ले। तो पढ़ने के बाद भी इनका ये हाल है तो फिर आम बंदा किस किस तरफ जाए। तो मैंने मौलवी साहब को गले मिलते हुए ना सूरह आले इमरान की आयत पढ़ी लानत अल्लाह अल काज़िबीन, जुड़ने के ऊपर अल्लाह की लानत। मैंने वीडियो रिकॉर्ड की। नमाज जुम्मा के बाद मौलवी साहब ने मुझे रोका और कहा जी मेरी वीडियो डिलीट कर। उस वायलेशन के दौरान ना उस लड़ाई के दौरान आवाज़ जब बुलंद करते हुए गुस्से में उस बंदे ने ऐसे अल्फाज कहे कि वो मैं बयान नहीं कर सकता इधर। और करीब था कि वो 25 उठाकर भाई के सिर में मार देता, इतना मुझे गुस्सा आता उसका। खुद जो है ना कभी मैंने अहले हदीस को देख लेना तो मैंने कहना यार ये क्या नमाज में नाच रहे हैं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद जो है ना इस चीज़ को देखता हूँ कि मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है बाबों का खुदा।